अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेशमा खान रेसिपी एंड ब्लॉग्स। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन टूथपिक लॉलीपॉप। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, टेस्टी, कुरकुरे और एकदम चटपटे बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए फटाफट से आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है। तो ये फ्रेंड्स, मेरे पास 200 ग्राम लगभग चिकन रखा हुआ था फ्रिज में। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ अच्छी सी रेसिपी बनाई जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये चिकन की जो बोटियाँ हैं ये बोनलेस है, तो इसमें से हड्डी नहीं है। तो मैं बोनलेस ही चिकन हमें फ्रेंड्स लेना है। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे पीसेस कर देती हूँ बोटी के, ठीक है। जो चिकन की हमारी बोटियाँ हैं उसके इस तरह से इतने छोटे छोटे हम पीस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सारे ऐसी इसी तरह से पीस जो है कट कर कर तैयार कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा एकदम टेस्टी, बढ़िया, एकदम कुरकुरे बनकर ये तैयार होते हैं लॉलीपॉप। इंशाल्लाह आप लोग को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स, ज़रूर 100% आप लोग ट्राई किया कीजिए। मेरी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। एक बार ट्राई कीजिए, बनाइए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह कर कर। तो यहाँ पर हमने चिकन की जो छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लगभग एक चम्मच भर कर ले लिया है कॉर्नफ्लावर। और यहाँ फ्रेंड्स हम लेंगे चावल का आटा, तो ये भी मैंने एक चम्मच भर कर ले लिया। फ्रेंड्स, चावल का आटा हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे जो लॉलीपॉप है, चिकन टूथपिक लॉलीपॉप जो है, वो हमारे एकदम क्रिस्पी बने। चावल के आटे से एकदम करारे और क्रिस्पी एकदम बनकर तैयार होंगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप चावल को पीस कर भी उसका आटा बनाकर इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक चम्मच ले लिया है लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच ले लिया है मैंने अदरक का पेस्ट, और यहाँ डाल दिया है मैंने नमक एक चम्मच। और फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ डाली है लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, और अब हम डाल रहे हैं फ्रेंड्स रेड चिल्ली पाउडर जो हमने आधा चम्मच लिया है। और यहाँ एक चुटकी मैं डाल रही हूँ फूड कलर, रेड फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो डालिए वरना आप स्किप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये मैं ले रही हूँ तंदूरी मेयोनीज़, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा इससे हमारे लॉलीपॉप का। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आधा चम्मच डाल रही हूँ पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस। तो इसको बिल्कुल भी फ्रेंड्स आप स्किप ना करिए, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट एकदम बढ़िया आता है। तो दोनों चीज़ें आप ज़रूर डालिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम डालेंगे थोड़ा सा दो चुटकी रेड चिल्ली फ्लेक्स। अब हम इन सारी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ों की कोटिंग जो है चिकन पर अच्छे से हो जाए। तो यह धीरे धीरे हाथ से सारे मसालों को मिक्स कर लेती हूँ मैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं मेरी, उनसे गुजारिश है कि वीडियो आप पूरी देखिए ताकि हमारी रेसिपी जो है आपको अच्छे से आपको पता चले, आपको समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने मसाले एकदम मिक्स कर लिया है, सब अच्छे से मिक्स मसाले सारे आपस में मिल गए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम ढक देंगे, और ढकने के बाद मैं आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रखूँगी फ्रिज में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गया है हमारा आधा घंटा। तो मैंने फिर इससे जो है चिकन को बाहर निकाल लिया है। माशाल्लाह देखिए, एकदम बढ़िया सा जो है हमारा जो चिकन है मसाले में एकदम मिक्स हो गया है, बढ़िया लग रहा है, अच्छे से कोटिंग हो गई है चिकन के ऊपर। और फ्रेंड्स, अब यहाँ हमने ले ली है टूथपिक, जो हमारे दांत साफ़ करने वाली जो हम घर में अवेलेबल होती है, सभी के पास होती है, तो आप उसी में ही आप इसको लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये वाली थी तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने ये टूथपिक ले ली है। तो फ्रेंड्स, ये फ्रेश है मेरी, ठीक है, मेरी नई एकदम साफ़ सुथरी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स चिकन की एक एक जो हमारा पीसेज है, बोटी है, वो इस तरह से हम एक एक टूथपिक में एडजस्ट कर लेंगे, इस तरह से लगा लेंगे। और यहाँ माशाल्लाह एक मैंने बना ली है, और इसी तरह से हमें सारी बनाकर तैयार कर लूँगी। तो धीरे हाथ से एकदम ये आराम से हो जाएगा। तो आप इस तरह से सारी जो है बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हमारी 200 ग्राम चिकन में हमने इतनी सारी बना ली है चिकन टूथपिक लॉलीपॉप्स। तो ये बहुत ही बढ़िया स्टार्टर भी है फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहे हैं आप स्टार्टर के तौर पर इसको बनाकर आप खिला सकते हैं अपने मेहमानों को, और इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आप इसको ज़रूर एक बार बनाइएगा, अगर आपके घर पर कोई भी मेहमान आ रहा है, या आप लोग अगर कुछ चटपटा कुछ अलग खाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर कर लिया है तेल को अच्छे से गर्म, यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है फॉर्चून का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक एक करके सारे जो हमारे लॉलीपॉप हैं उनको हम डाल देंगे तेल में,
और पहले फ्रेंड्स आपको जो गैस की फ्लेम है हाई रखना है, और जो हमारा ऑयल एकदम अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम फ्लेम को एकदम स्लो कर देंगे, और स्लो पर हम इसको पहले एक साइड से 3 मिनट तक का पकाएंगे, फिर इसको पलटने के बाद 3 मिनट तक फिर इसको पकाएंगे। तो इसी तरह से 5 से 6 मिनट तक हमें इसको पलट कर पकाना है दोनों साइडों से, जब तक कि इसमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। और फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा झटपट से बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगती है। आप इसे मियो के साथ खा सकते हैं, मेयोनीज के साथ खा सकते हैं, किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी अगर आपको पसंद है तो उससे भी आप खा सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कलर कितना ज़्यादा बढ़िया आया है ना इसका, देखिए। इसी तरह से हमें इसको फ्राई कर तैयार करना है, एकदम डार्क गोल्डन ब्राउन कलर हो जाना चाहिए और एकदम क्रिस्पी बने थे हमारे लॉलीपॉप ऊपर से, और अंदर से भी एकदम करारे बने थे क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा यूज़ किया है, उसकी वजह से एकदम करारे और एकदम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्टी और लाजवाब बने थे। तंदूरी जो हमने मेयोनीज डाली है इसमें उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया खाते टाइम आपको आएगा मुँह में, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे लॉलीपॉप अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं, फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और अब मैं टिश्यू पेपर पर इनको निकाल लेती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। तो आप इसको ज़रूर स्टार्टर के तौर पर बना के ज़रूर अपने फैमिली वालों को खिलाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए। और रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है फ्रेंड्स, तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, रेसिपी के बारे में बताइए हमारी, और सपोर्ट कीजिए हमेशा की तरह। तो यहाँ पर हम सारे निकाल लेते हैं। माशाल्लाह देखिए 200 ग्राम चिकन में मैंने इतने सारे लॉलीपॉप बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो यहाँ मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा बढ़िया और टेस्टी लग रहे थे, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, उनके फेवरेट हो गए हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी और बनाऊंगी क्योंकि सब लोग को काफ़ी पसंद आए, तो मैंने थोड़े से बनाए थे, तो इंशाल्लाह फिर मेरे हस्बैंड ने रिक्वेस्ट की है कि मैं इसको बहुत सारे जल्दी बनाऊँ। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ज़रूर बनाइए, खाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं इसको अच्छा सा लुक देने के गार्निशिंग के लिए यहाँ यूज़ कर रही हूँ मोज़रेला का चीज़, तो मैं थोड़ा सा ग्रेट कर इस पर डाल दे रही हूँ। ये फ्रेंड्स ऑप्शनल है, तो मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए यूज़ कर लिया, और मैं इसको मेयोनीज से सर्व कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे हम रेड चिली फ्लेक्स, ये भी फ्रेंड्स ऑप्शनल है, बस मैं थोड़ा सा अच्छा सा इसको लुक देने के लिए इसको इस्तेमाल कर रही यूज़ कर रही हूँ चिली फ्लेक्स का। अगर आपके पास हो तो डालिए, वरना कोई बात नहीं। तो देखिए माशाल्लाह हमारे चिकन टूथपिक लॉलीपॉप बनकर एकदम तैयार हो गए हैं, माशाल्लाह देखने में ही कितने ज़्यादा बढ़िया एकदम लग रहे हैं ना, एकदम करारे सिके हैं ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और टेस्टी यहाँ लग रहे हैं, और यहाँ हमसे रुका नहीं जा रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं खाकर आपको बताती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी क्रिस्पी एकदम करारे सिके थे, अंदर तक से एकदम क्रिस्पी सिके हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात करती हूँ आपसे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए।